कहानी की शुरुआत में भविष्य की एक दुनिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि पानी ही उनकी जिंदगी बचा सकता है। फिर हमें यहाँ एक केविन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे और बेटी के साथ रहता है। उनके पास एक बहुत बड़ी जमीन भी होती है जिसपे वो बहुत साल पहले फसल उगाया करते थे। तब यहाँ बहुत हरियाली होती थी लेकिन वो हरियाली उसके बच्चों ने कभी नहीं देखी थी। लेकिन केविन को आज भी यकीन है कि ये जमीन एक और बार हरी भरी होगी लेकिन बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता, इसलिए जगह को सब लोग छोड़ चुके हैं। केविन के पास एक गधा भी होता है जिसकी मदद से वो लोगों को चीजें सप्लाई करता है जो इस वीरान जगह में जमीन से पानी निकालने का काम करते थे। दरअसल ये गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। केविन फिर अपनी बेटी के साथ उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि उसे खेती करने के लिए कुछ पानी की जरूरत है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देते हैं कि इतना पानी तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता और कोई देगा भी तो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब बहुत सारे पैसे जो कि केविन के पास नहीं है। इसलिए फिर केविन अपने बेटे और गधे के साथ घर के लिए निकलता है लेकिन रास्ते में उसकी गधे की टांग टूट जाती है जिससे वो चल नहीं सकता था, इसलिए केविन को उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ता है। इसके बाद वो घर आ जाते हैं जहाँ हम केविन की बेटी को देखते हैं जो कि खाने की प्लेट को रेत से साफ कर रही होती है क्योंकि पानी ना होने की वजह से अब उनका गधा भी मर चुका था तो अब उन्हें नए गधे की जरूरत है। इसलिए अगले दिन केविन अपने बेटों को लेके एक जगह जाता है जहाँ रोबोटिक एनिमल की बोली लग रही थी। वहाँ सब अपनी बोली लगा रहे थे, वहाँ एक जॉन नाम का आदमी भी होता है लेकिन केविन उस रोबोट को खरीद लेता है। अब उनके पास एक रोबोट एनिमल है जो कि उनके बहुत काम आने वाला है। जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे वो रोबोट चाहिए था। उसके बाद केविन अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल जाता है जहाँ केविन की वाइफ यानी कि उसकी बेटे की मॉम है जो कि बिना मशीन के नहीं चल सकती थी। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो नहीं चल सकती थी, इसलिए उसे चलने के लिए एक मशीन की जरूरत होती थी। ये मशीन काफी महंगी होती थी, केविन उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी वाइफ को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। केविन अपने वाइफ से मिलने के बाद अपने घर निकल पड़ता है जहाँ रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्ल था। कार्ल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, उसके पास एक बच्चा भी था जो उसे बेचना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बच्चा मर जाए, लेकिन केविन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसे पीने के लिए पानी भी देता है। केविन को ये लड़का पहले से ही जानता था, वो उसकी बेटी को भी जानता था। फिर वो केविन को बताता है तुम्हारी बेटी का किसी से अफेयर चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस बात से केविन बहुत गुस्सा हो जाता है, वो अपनी बेटी के पास जाता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, जिसपे केविन की बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। केविन को बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। यही सुबह केविन देखता है कि किसी ने उसका रोबोटिक एनिमल चुरा लिया है, उसे बहुत दुख होता है। लेकिन तभी वहाँ पानी को निकालने वाले वहाँ आ जाते हैं और केविन को एक पंच मारते हैं जिससे केविन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो उनके पास होता है जो वाटर सप्लाई करते थे। वो उस पे इंजाम लगाते हैं कि उन्होंने उसे यहाँ से पानी चुराते हुए देखा है, तुमने अपने एनिमल के साथ यहाँ से पानी चुराया है, इसलिए वो केविन को मारना चाहते थे। लेकिन केविन किसी तरह से अपनी गन को उठा लेता है और उनपे तान देता है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। अब वो कार्ल को ढूंढता है क्योंकि वो भी उस रोबोट को खरीदना चाहता था, इसलिए उसे उस पे शक था और वो उसे एक जगह मिल भी जाता है। उसी ने उसका रोबोटिक एनिमल चुराया था और कार्ल भी वही आदमी था जिसने पानी चुराया था। दरअसल वो पानी को बॉर्डर की दूसरी तरफ बेचना चाहता था ताकि वो बहुत पैसा कमा सके, लेकिन केविन उस पे गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई वालों के पास वापस जाना होगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। वो उसको उनके पास ले जाने लगता है लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। कार्ल केविन को बोलता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम इसे पी सकते हो और बाकी पानी को हम बेच देंगे जिससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। केविन अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा पानी पी लेता है लेकिन वो पानी को बेचना नहीं चाहता था बल्कि वो कार्ल को वाटर सप्लाई वालों के पास ले जाना चाहता था। पानी पीने के बाद भी उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कार्ल इस चीज को समझ जाता है, वो उस पे एक पत्थर से वार करता है जिससे उसकी जान चली जाती है और उसकी मौत को इस तरह दिखाता है कि रोबोट एनिमल ने उसकी जान ली है। फिर वो रोबोट और केविन को छोड़ के उसके घर चले जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल कार्ल ही वो लड़का था जिसे वो पसंद करती थी। फिर केविन की बेटी उसके साथ चली जाती है। यहीं दूसरी तरफ हम केविन के बेटे को दिखाया जाता है, वो देखता है कि पूरा दिन उसके फादर घर नहीं आए थे। फिर वो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाता है जहाँ उसे वो रोबोट मिलता है, साथ ही कुछ वाटर बोतल भी जो वाटर सप्लायर की थी। अब उसे पता चल जाता है कि उसके फादर अब नहीं रहे, वो उन बोतल को लेकर वाटर सप्लायर के पास जाता है। वाटर सप्लायर समझ जाते हैं कि केविन ने उनका पानी नहीं चुराया था क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो बाकी पानी भी वहाँ होना चाहिए था जो कि वहाँ नहीं था। और साथ ही कार्ल ने इस सीन को ऐसे दिखाया था कि लगे केविन की जान रोबोटिक एनिमल ने ली है, इसलिए घर लाने के बाद उसका बेटा उस रोबोट को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कार्ल आ जाता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें
अपने आप को संभालना होगा। अब कार्ल उसकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। अब कार्ल कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो इस बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद कार्ल तय करता है कि जो इनकी इतनी बड़ी जमीन है वो उसके ऊपर फसल उगाएगा। वो वाटर सप्लायर के पास जाता है और बताता है कि उसे खेती करने के लिए कुछ पानी की जरूरत है। तुम किसी को बताए बिना मुझे पानी दे दो और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। और वो उसकी बात मान जाते हैं और कार्ल को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। वो बहुत मेहनत करता है और बहुत ही जल्द फसल उग जाती है। केविन का बेटा और कार्ल बहुत खुश होते हैं। अब केविन का बेटा कार्ल से बहुत इंप्रेस हो चुका था, इसलिए वो अपनी बहन की शादी कार्ल से करा देता है। कार्ल की जिंदगी एकदम अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन जब वो खेती कर रहा था तो कुछ बैंक वाले उसके पास आते हैं जो उसे कहते हैं केविन ने इन खेतों के लिए बहुत सा कर्जा लिया हुआ था जिसने वो पैसे कभी नहीं दिए। अब बहुत ही जल्द बैंक वाले इन खेतों को जब्त कर लेंगे। कार्ल सुन के बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने इस खेतों के लिए बहुत मेहनत की थी। अब वो किसी भी कीमत पे खेतों को वापस लेना चाहता था, इसलिए वो एक लड़के के पास जाता है जिसका नाम जॉन था। वो अपने बच्चे को केविन को बेचना चाहता था, वो इस बात को जानता था, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसके बच्चे को बेचने के लिए कहता है। जॉन अपनी वाइफ को बिना बताए अपने बच्चे को बेच देता है, लेकिन कार्ल को पैसे की जरूरत थी तो वो जॉन को मार देता है। जब वो शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोट को भी लग जाती है जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। फिर वो वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और वहीं उस रोबोट को दिखाया जाता है जो कि लंगड़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है जिसने उसे बनाया था क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ गई थी। फिर अगले दिन कार्ल को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बैंक का सारा पैसा चुका दिया था। वहाँ पर केविन के बेटे को लगता है कि कार्ल ने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है जिससे उसने पैसे चुकाए हैं। यहीं उस रोबोट एनिमल को दिखाया जाता है जो बहुत देर चलने के बाद अपने असली मालिक के पास पहुंच जाता है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरर के पास। फिर वो मैन्युफैक्चरर जल्द से जल्द रेडियो पे अनाउंस करता है कि जिसका ये रोबोट है वो उसे ले जाए। केविन का बेटा ये सुन के हैरान हो जाता है, उसे लगा था कि कार्ल ने उसको बेच दिया है और पैसे बैंक को चुका दिए हैं। फिर वो शाम को कार्ल से पूछता है कि क्या तुमने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है। ये सुन के कार्ल को गुस्सा आ जाता है और उसे उल्टा सीधा कहने शुरू कर देता है। ये सुनने के बाद केविन के बेटे को उस पे शक हो जाता है। वो कहता है कि अगले दिन वो हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने जाएगा, लेकिन वो अगले दिन हॉस्पिटल ना जाके वहाँ जाता है जहाँ मैन्युफैक्चरर के पास वो रोबोट था जो कि बॉर्डर की दूसरी तरफ था। वहाँ उसकी कंपनी थी जहाँ वो रोबोट बना करते थे। फिर वो केविन के बेटे को उसका रोबोट वापस कर देते हैं, साथ ही साथ वो उसे रोबोट की कुछ खास फंक्शन के बारे में बताते हैं जिसमें वो बहुत सारी फुटेज रिकॉर्ड कर सकता था। और तब केविन का बेटा फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है जिसने उसके फादर को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि कार्ल है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो समझ आता है कि रोबोटिक एनिमल ने उसके फादर की जान नहीं ली थी बल्कि कार्ल ने ली थी। फिर वो घर वापस आता है और कार्ल से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल वापस घर आ गया, बल्कि तुमने तो कहा था कि तुमने उसे बेच दिया, जिस बात पे वो झूठ कहता है जिससे केविन के बेटे को और गुस्सा आता है। इस वक्त वो कार्ल को कुछ नहीं कहता, लेकिन इतनी जरूर कहता है कि तुम्हें जॉन बुला रहा था। ये सुन के कार्ल बहुत डर जाता है क्योंकि जॉन को तो उसने अपने हाथों से मारा था, लेकिन इस बात पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो कि जॉन का था। उस पे लिखा था कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जॉन ने उसे यहाँ से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में बुलाया था। कार्ल तय करता है कि वो वहाँ जाएगा। वो अपने रोबोटिक एनिमल के साथ वहाँ पहुँचता है, लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। और फिर उसे एक परछाई दिखती है जो कि केविन की बेटे की थी। दरअसल उसी ने जॉन के नाम पे उसे झूठा लेटर लिखा था। और जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसे सब पता चल गया है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहीं मार कर घर आ जाता है। घर आके वो अपनी बहन को कार्ल के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब बहुत दिनों तक कार्ल घर नहीं आता तो अपने भाई से पूछती है कि कार्ल कहाँ गया। वो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, लेकिन अब वो भी बहुत इंतजार कर चुकी थी। फिर वो अपने भाई को कहती है कि उन्हें मॉम को वापस घर ले आना चाहिए। दरअसल अब उनके पास पैसे भी थे क्योंकि उनकी फसल उग चुकी थी और अब वो मशीन का खर्चा भी उठा सकते हैं। और ये भी प्रेर करते हैं कि उनके घर में एक लड़का पैदा हो। और यही हमारी मूवी का एंड होता है। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो को देख सकते हो।